हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। यू नो व्हाट इज इट? टुडे इज 5th जून एंड दैट इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या आपको पता है कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं? व्हाट इज द रीजन? हैव यू एवर थॉट? इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ अवर ट्रेडिशन और कस्टम। नो, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड्स आर नेचर। ये हमारी जिम्मेदारी है नेचर के लिए। नेचर क्या है? नेचर प्रकृति है जो हमें पालती है, जो हमारी देखभाल करती है। स्टूडेंट्स, जैसे नेचर हमारी देखभाल करती है ना, वैसे ही हमें भी नेचर की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आज एनवायरनमेंट डे सिर्फ हमें मनाना नहीं है, हमें बहुत कुछ करना है अपनी धरती को बचाने के लिए, अपनी अर्थ को सेव करने के लिए। अगर नेचर हमें बहुत कुछ दे रही है ना, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी नेचर को बहुत कुछ दें। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या दे सकते हैं नेचर को? ग्रीन प्लांट्स जो हमारे आस पास है, क्या हम इनके बिना रह सकते हैं? नहीं, नो। अगर ये प्लांट्स, ये हरे भरे पेड़ हमारे आसपास ना हो तो क्या होगा? क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं। आपको पता है कि कुछ समय पहले पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही थी, और उस समय सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ी हमें? ऑक्सीजन की। स्टूडेंट्स, प्रकृति ने हमें सिखाया है कि हमें उससे उतनी ही चीजें लेनी चाहिए जितनी हमें जरूरत हो, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का बहुत दुरुपयोग किया है। कैसे? जानवरों को मारकर, पेड़ पौधे काटकर, हमने अपनी प्रकृति का बहुत नुकसान कर लिया है। क्या ये सही किया? नहीं ना। स्टूडेंट्स, नेचर हैज ऑलवेज बीन काइंड टू अस, एंड नाउ इट इज टाइम टू रिटर्न ऑल द फेवर बाय शोइंग अ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। तो हमारा पॉइंट क्या है? What we have to think here? We have to think now. Today is the time that we all have to aware how to keep save our Mother Earth. Students, एक प्लांट अगर हम लगाते हैं तो ये प्रकृति के लिए एक तोहफा होगा जो हम उसे दे रहे हैं। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए होती है ना, वैसे ही हमें नेचर की भी देखभाल करनी चाहिए। एनवायरनमेंट डे के दिन सनशाइन एकेडमी की फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक मैसेज हम आपको देना चाहेंगे कि प्लीज अपनी प्रकृति से प्यार करें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर नेचर है तो हम हैं। प्रकृति यानी कि नेचर नहीं तो कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच।